हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ये लेक्चर नंबर 3 है हमारा न्यूमेरिकल एनालिसिस का, और इसको न्यूमेरिकल टेक्निक्स भी कहा जाता है। तो इस लेक्चर में हम जो बाइसेक्शन मेथड जो हमने लास्ट लेक्चर में करा था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हम करने जा रहे हैं बाइसेक्शन मेथड पर, तो उसमें लिखा है, देखिए कि परफॉर्म फाइव आइट्रेशंस ऑफ बाइसेक्शन मेथड टू ऑब्टेन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। आपको 5 आइट्रेशन प्रोसेस करनी है बाइसेक्शन मेथड से, और आपको करना है स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, ये याद रखना है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट आपको बताना है इस इक्वेशन का। वैसे क्योंकि इसकी पावर 3 है तो आप जानते हैं इसके 3 रूट पॉसिबल है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट का है। और मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि आपको सबसे पहले बाइसेक्शन मेथड का जो सबसे पहला जो काम है, आपको क्या करना है, उसमें आपको क्या करना है, आपको एक रेंज बतानी है, ठीक है। चूज आ रेंज, ठीक है, एक रेंज आपको चूज करनी है, ठीक है, या फिर लोकेट करना है। आपको क्या करना है, लोकेट करना है, लोकेट द रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स नहीं, खाली एक रूट को आपको लोकेट करना है, एक रेंज लेनी है जिसके अंदर आपका क्या हो रहा हो, एक आपको पता हो कि हाँ एक इस रेंज के बीच में एक मेरा रूट लाई करेगा। और वो आप कैसे बता सकते हो कि जैसे सपोज आपने एक रेंज ले ली ए बी, आप कह रहे हैं कि इस रेंज में मेरा रूट जो होगा वो लाई करेगा, तो वो कब होगा, वो कंडीशन कैसे पॉसिबल है, अगर एफ ए और एफ बी लेस देन जीरो होगा तो ही पॉसिबल है कि इस रेंज में इस फंक्शन का एक रूट लाया करेगा। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करी थी। तो इसके लिए हमें वो रेंज चूज करनी है, हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन उसने एक चीज कहा है कि स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट हो, तो हम जीरो से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जैसे जीरो पर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो फिर अगला कोई एक और इंटीजर देखेंगे जिस पर इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही हो, है ना, तो ज्यादा सही रहेगा क्योंकि हमें एक पॉजिटिव मिल जाएगा, एक नेगेटिव मिल जाएगा, तो वो रेंज हमें मिल जाएगी आसानी से। तो आप जीरो से देखते हैं, ठीक है, एक बार आप क्या करो, जीरो लेके देखो, यहां पर जीरो पर इसकी फंक्शन की वैल्यू देखो, जीरो पर कितनी आ रही है, ठीक है, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर कितनी आ रही है, एफ जीरो रख रहे हो आप, तो जीरो माइनस ये भी जीरो हो जाएगा प्लस वन, तो यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, एफ जीरो की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। अब x इक्वल्स टू वन पर देखो कितनी आ रही है, वन, वन का क्यूब माइनस फाइव इंटू वन प्लस वन, ठीक, तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, आप देख सकते हो ये माइनस का थ्री आएगा जो कि नेगेटिव वैल्यू है। तो आपको यहीं से रेंज मिल गई, जीरो और वन के बीच में होगा रूट आपका एक रूट तो, और वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव भी होगा, क्यों, उसके पीछे रीजन ये है कि देखो जीरो से ही तो पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होते हैं, आपको स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट बताना है, तो आपने जीरो से चूज करना चालू करा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव नंबर जीरो से ही तो स्टार्ट होते हैं, जीरो और वन के बीच में अगर मैं कहूं एक, मुझे पता लग गया एक रूट जीरो और वन के बीच में है ही है ना, तो इसका मतलब क्या है, ऑब्वियस बात है वो स्मॉलेस्ट वाला ही होगा, क्योंकि और इधर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, वो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट नहीं बचेगा, ठीक है। तो 0.1 क्या हो जाएगा, मेरा रेंज हो जाएगा, क्यों, 0 और 1 के बीच में मेरा रूट लाई करेगा इसका, उसके पीछे रीजन क्या है कि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि एफ जीरो और एफ वन जो है उसका मल्टीप्लिकेशन लेस देन जीरो है, ठीक है, इसलिए। अब आपको क्या करना है, इनिशियल गॉस वैल्यू लेनी है, ठीक है, जो सेकंड स्टेप होता है, तो फर्स्ट स्टेप आपने कर लिया कंप्लीट, आपको पता लग गया ये है आपका रेंज, इस बीच में आपको रूट देखना है डिफरेंट आइट्रेशंस करके, तो फर्स्ट क्या है, आप क्या कर रहे हैं, इनिशियल इनिशियल गॉस वैल्यू ले लीजिए, इनिशियल गॉस वैल्यू, गॉस वैल्यू को जी वी से दिखा देता हूं मैं, ठीक है, गॉस वैल्यू जी वी, अब क्या कर दिया आपने, इनिशियल गॉस वैल्यू ले ली, तो आपने क्या करा, गॉस वैल्यू कैसे बताई थी मैंने, इनिशियल एक्स आई एन क्या होता है, जो भी आपका, जैसे कि अगर ए कॉमा बी है तो इनिशियल गॉस वैल्यू क्या होती थी, वन बाई टू
ए प्लस बी, ठीक है। तो यहां पर ए कितना है जीरो है, बी कितना है वन है, तो एक्स आई एन की वैल्यू यहां पर कितनी हो गई आपकी, वन बाय टू जीरो प्लस वन, ये हो गई, जो कि क्या हो गई 0.5 हो गई, 0.5 हो गई एक्स आई एन की वैल्यू। और मैंने आपको और भी चीज बताई थी, क्या बताया था मैंने कि ये लिया आपने जैसे कि ये जीरो है आपका और ये वन है, सपोज जीरो वन, अब इसके बीच में एक्स आई एन आएगा, ये एक्स आई एन आ गया, एक्स आई एन आ गया। जीरो पर आपको पता है फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही थी, ठीक है, जीरो पर आपके फंक्शन की वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव, ठीक है, वन पर आपके फंक्शन की वैल्यू आ रही थी नेगेटिव। आप एक्स आई एन यानी कि 0.5 पर और देख लो इसकी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, तो फंक्शन की वैल्यू आप देख लो एफ एक्स आई एन पर भी आप वैल्यू चेक करते हो, यानी कि एफ 0.5 पर आप चेक करेंगे, तो ठीक है 0.5 पर आप चेक करो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है फंक्शन की, तो आपको पता लग जाएगा, ठीक। तो हम चेक करते हैं कितनी आ रही है, इसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, मतलब जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है इसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती ही है, तो आप अपने पास जरूर रखिएगा साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है 0.5 पर, वो आपकी आती है माइनस का, माइनस की वैल्यू आ रही है माइनस का 1.375, ये वैल्यू आ रही है जो कि लेस देन जीरो है, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, इस पर नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब दो नेगेटिव वैल्यूज के बीच में तो हो नहीं सकता रूट, बताया था आपको कल ही समझाया था, अब इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में ही होगा रूट लाई करेगा, ठीक है, तो इधर वाले को आप कैंसिल कर दो, इधर नहीं है रूट, रूट इधर लाई करता है। तो अब क्या करेंगे आप सक्सेसिव वो करेंगे, अब आप फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, तो मैं ऊपर वाला मिटाने जा रहा हूं, ठीक है, ठीक है। तो आपको 5 आइट्रेशन करनी थी, तो आप इनिशियल ये देख लिया आपने, आप क्या करेंगे गॉस वैल्यू, गॉस वैल्यू आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन के बाद, अब ये फर्स्ट आइट्रेशन कर रहे हैं आप, फर्स्ट आइट्रेशन क्या है, ये और ये, ठीक है, एक्स वन जो होगा वो 1/2 आपका ये और इसके बीच में, यानी कि जीरो 0 प्लस 0.5 के बीच में होगा, तो इसकी वैल्यू आ रही है 0.25 आ रही है, ठीक है। अब इस ये इसके बीच में आया है 0.25, ये था आपका 0.5, ठीक है, 0.25 बाइसेक्शन मतलब बाइसेक्ट कर देना बीच में कोई जो पॉइंट आ रहा हो इन दोनों रेंज के, तो वो 0.25 आएगा। 0.25 पर फंक्शन की वैल्यू देख लो, है ना, 0.25 पर फंक्शन की वैल्यू देख लो, जब आप फंक्शन की वैल्यू देखते हो 0.25 पर, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू 0.25 पर वो भी नेगेटिव आती है, ठीक है, और वो वैल्यू कितनी है, वो नेगेटिव वैल्यू आती है, वो आ रही है 0.2343 75, ठीक है, 0 माइनस का ये आ रही है वैल्यू। अब इस वैल्यू से हमें कुछ लेना देना, हमें बस माइनस देखना, माइनस आ रहा था, ठीक है, तो यहां पर भी क्या आ रहा है आपका, माइनस आ रहा है। अब ये क्या हो गया, ये है गॉस वैल्यू आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन। अब इसमें आप देखो ये भी नेगेटिव वैल्यू, ये भी नेगेटिव वैल्यू है, तो रूट आपका कहां, इन दोनों के बीच में कलाई नहीं कर सकता, इस रेंज में कलाई नहीं कर सकता, ठीक है, तो रूट कहां लाई करेगा, इन दोनों के बीच में लाई करेगा, 0.25 और 0 के बीच में, ठीक है, तो इसके बीच में आपका रूट लाई करेगा, तो आप देखते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, गॉस वैल्यू आफ्टर सेकंड आइट्रेशन, गॉस वैल्यू आफ्टर सेकंड आइट्रेशन, सेकंड आइट्रेशन, फर्स्ट आइट्रेशन हो गई, अब आप क्या करेंगे सेकंड आइट्रेशन करेंगे, सेकेंड आइट्रेशन करते हैं, गॉस वैल्यू आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन,
तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, तो एक्स टू, अब जिस रेंज के बीच में हमें पता लग रहा है रूट लाई कर रहा है, उन दोनों को ले लो, 0 और 0.25 को, इसको ले लो, 0 प्लस 0.25 को ले लो, ठीक है, 0 प्लस 0.25 को आपने ले लिया और इसको सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा तो कितना आ रहा है, 0.125 आएगा, ऑब्वियस बात है, 0. ठीक है, 0.125 आएगा। अब इस पर आप वैल्यू देखो कितनी आएगी, ठीक है, एफ 0.125 पर फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, ठीक, फंक्शन की आपने वैल्यू चेक करी इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आपको पता लगा कि फंक्शन की क्या वैल्यू आ रही है, ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, ये क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसकी वैल्यू आप निकाल लेना, जो भी आपने को फंक्शन दिया उसमें एक्स की जगह पर ये रखना है, आप निकालना उसे, ठीक है। तो अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, इस वाली चीज को, इस चीज को थोड़ा सा ब्रॉड करके यहां पे लिख रहा हूं, ये है 0 और ये था 0.25। अब इसके बीच में बाइसेक्ट करा तो ये पॉइंट मिला कौन सा, 0.125, और वन, अब इस पर वैल्यू आ रही थी पॉजिटिव और इस पर आ रही थी नेगेटिव, बाइसेक्ट करा ये पॉइंट मिला और इस पॉइंट पर वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, इस पॉइंट पर आ रही है वैल्यू पॉजिटिव। अब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो वो जो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो अब आप देख सकते हो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, तो यानी कि रूट यहां तो लाई नहीं कर सकता, रूट कहां लाई करेगा, ये यहां पर लाई करेगा, ठीक है। तो अब जो थर्ड आइट्रेशन करेंगे तो उसमें ये वाली रेंज लेंगे, इन दोनों को लेंगे, ठीक है, ठीक। तो आप क्या करेंगे, गॉस वैल्यू आफ्टर थर्ड आइट्रेशन, गॉस वैल्यू आफ्टर थर्ड आइट्रेशन, आपने थर्ड आइट्रेशन ले ली, थर्ड आइट्रेशन क्या है आपकी, थर्ड आइट्रेशन में आपको क्या है ना, एक्स थ्री लेंगे आप और पॉइंट क्या लेंगे, 0.125 प्लस 0.25, इसको आपने क्या करा, सॉल्व करा। अब जब आपने इसको सॉल्व करा तो आपको एक और पॉइंट मिलेगा, ठीक है, एक और पॉइंट मिलेगा जो कि क्या है आपका, जो है 0.18 0.1875, ठीक है, 1875 आएगा, इन दोनों को जोड़ो और दो से डिवाइड कर दो तो वो पॉइंट क्या आएगा, यहां बीच में आएगा 0.1875। अब ठीक है, ये प्रोसेस कहां तक करनी है अपने को, 5 आइट्रेशन तक, ठीक है, ये थर्ड आइट्रेशन के बाद हुआ है, अभी हम 2 आइट्रेशन और करनी है, उसके बाद हमें आंसर मिलेगा, ठीक है, उसके बाद हमें देखना रूट कौन सा है। थर्ड आइट्रेशन हो गई अपनी और इस पर हम देखते हैं जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, वो आ रही है पॉजिटिव, ठीक है। अब इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है ना, फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है किस पर, 0.1875 पर, वो क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इस पर जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। अब पॉजिटिव आ रही है तो 0.125 और 0.1875 के बीच में तो रूट लाई नहीं कर सकता, क्यों क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव हैं। अब कहां रूट लाई करेगा, 0.1875 और 0.25 के बीच में लाई करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, इसके बीच में लाई करेगा रूट हमारा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगला जो आइट्रेशन करेंगे वो इन दोनों प्रोसेस के बीच, इन दोनों के बीच में करेंगे, इसके 0.1875 और 0.25 के बीच में, ठीक है। तो आप गॉस वैल्यू आफ्टर थर्ड आइट्रेशन, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे गॉस वैल्यू आफ्टर फोर्थ आइट्रेशन, ठीक है, गॉस वैल्यू आफ्टर फोर्थ आइट्रेशन, गॉस वैल्यू आफ्टर फोर्थ आइट्रेशन, तो आपने फोर्थ आइट्रेशन के बाद गॉस वैल्यू निकाली, तो वो कैसे निकालेंगे, एक्स फोर जो कि होगा 1/2 और क्या क्या लेना है अपने को, 1.0875 प्लस 0.25, इन दोनों करा और इन दोनों को करा और तो हमें जो हमारा गॉस वैल्यू मिली आफ्टर फोर्थ हाइट्रेशन,
एक्स फोर, वो क्या मिली, वो मिलती हमें 0.21, क्या मिलती है 0.21875, ठीक है ठीक है, ये वैल्यू मिलती है। और इस पर अब हम अगर फंक्शन की वैल्यू देखें तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो जो आती है वो आती है हमारी नेगेटिव, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है वो क्या आती है नेगेटिव। तो अभी तक हम कहां पहुंच गए थे, अब मैं इस चीज को, ये जो चीज है इस चीज को मैं बड़ा करके लिख रहा हूं, यहां पर हम लिख गए थे यहां पर लास्ट जो फोर्थ थर्ड आइट्रेशन के बाद हमें जो पॉइंट मिले थे वो क्या थे 0.1875 और 0.25, ठीक है। यहां पर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव थी और यहां पर ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी। इसको डाइसेक्ट करने पर हमें जो पॉइंट मिला है वो मिला है 0.21875, और इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है। अब इस पर नेगेटिव आ रही है और इस पर भी नेगेटिव थी, तो इन दोनों के बीच में नहीं लाया कर सकता, ठीक है। रूट, रूट हमेशा एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लाया करेगा, क्यों, क्योंकि उसे कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, कौन सी, एफ ए एफ बी लेस देन जीरो वाली, जो लास्ट वीडियो में बताया था आपको, ठीक है। तो अब आप देखें इसको, जब हम डाइसेक्ट करते हैं तो ये क्या है, ये गॉस वैल्यूज हैं, ये जो मिली हमें ये गॉस वैल्यू थी आफ्टर फोर्थ आइट्रेशन, ठीक है। अब उसने क्या कहा क्वेश्चन में, जो था हम पे क्वेश्चन, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा था कि परफॉर्म फाइव आइट्रेशन करनी है हमें, फिफ्थ आइट्रेशन में जो पॉजिटिव पॉइंट मिल रहा है बीच में उसको ही रूट मान लेना है। अरे देखो इस प्रोसेस को तो हम तब तक करते रहेंगे जब तक इस फंक्शन की वैल्यू जीरो ना आ जाए, जब तक इस फंक्शन की वैल्यू जीरो ना आ जाए तब तक वो रूट है ही नहीं, तो उसको पहुंचने में तो हमें पता नहीं कितना समय लग जाएगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव आता रहेगा, तो उसको पहुंचने में तो बहुत समय लग सकता है। लेकिन जो आइट्रेशन प्रोसेस बताई है, हम क्या कर रहे हैं, रूट के पास पहुंचते जा रहे हैं। एक्चुअली में कहां से हमने स्टार्ट करा था, हमने करा था जीरो और वन से, ठीक है, जीरो और वन, इतनी अनसर्टेनिटी थी, उसके बाद हमने उस अनसर्टेनिटी को कम करते गए धीरे धीरे, और अब अनसर्टेनिटी कितनी है 0.21875, इन दोनों के बीच में ही है रूट, हमें इतना पता लग गया, इतने बड़ी अनसर्टेनिटी से हम इतने पे आ गए, है ना। अब हमें पता है कि इस छोटी सी रेंज के बीच में ही है रूट। अब जब मैं फिफ्थ आइट्रेशन करूंगा, गॉस वैल्यू जो आएगी फिफ्थ आइट्रेशन के बाद, ठीक है, जो भी पॉइंट बाइसेक्ट करेगा फिफ्थ आइट्रेशन के बाद, वही क्या होगा, आंसर होगा, वही वो पॉजिटिव रूट होगा जो हम फिफ्थ आइट्रेशन के बाद बता देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो फोर आइट्रेशन करनी है एक्स फोर तक, और एक्स फाइव जो भी होगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो उसमें आपको चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो जीरो दे रहा नहीं दे रहा, वो जीरो नहीं देगा, ऑब्वियसली नहीं देगा, लेकिन हम उतनी डीपली नहीं जा सकते कि हम जीरो तक पहुंचे। तो हम क्या करते हैं, जो भी वो बता रहा है, मतलब फिफ्थ आइट्रेशन के बाद जो भी आ रही है वैल्यू, उसको हम मान लेंगे अपना रूट, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, ठीक है। तो गॉस वैल्यू आफ्टर फिफ्थ आइट्रेशन, ठीक है, गॉस वैल्यू आफ्टर फिफ्थ आइट्रेशन, तो फिफ्थ आइट्रेशन आप कर रहे हैं एक्स फाइव, तो 1/2, और इन दोनों पॉइंट्स को रख दीजिए 0.1875 और प्लस 0.21875, इन दोनों को आप करिए, और जो भी पॉइंट मिल रहा है एक्स फाइव वो आपको क्या हो जाएगा, वो यहां पर आपका, वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका रूट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट, जो कि आ रहा है 0.20 0.203125, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव रूट हो जाएगा आफ्टर फिफ्थ आइट्रेशन आपको मिल रहा है, आफ्टर फिफ्थ आइट्रेशन मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना होता है, और क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आते हैं। यहां पर मैंने हर बार मैंने वैल्यू नहीं निकाली है फंक्शन की, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि नेगेटिव आएगा पॉजिटिव आएगा, लेकिन आपको वो करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास साइंटिफिक
टर जरूर होना चाहिए, क्योंकि इस पेपर में आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़नी ही पड़नी है। आप इतनी जो बड़ी कैलकुलेशन है वो आप खुद से परफॉर्म नहीं करोगे, और न्यूमेरिकल टेक्निक्स का जो पेपर होता है उसमें जहां तक है मोस्टली यूनिवर्सिटीज में अलाउड होता है साइंटिफिक कैलकुलेटर शायद लेके जाना, तो आपके में भी शायद अलाउ होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, जिससे हमारे को और अच्छे से समझ में आ जाए कि क्वेश्चन को कैसे डील कर। और क्वेश्चन है ये बाइसेक्शन मेथड के ऊपर, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि द रूट, ठीक है, कह रहे हैं द रूट ऑफ द इक्वेशन x साइन x इक्वल्स टू 1 हैज टू बी कैलकुलेटेड यूजिंग बाइसेक्शन मेथड। द गॉस वैल्यू ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन आफ्टर 3 आइटरेशन। आपको क्या पूछ रहा है कि आपको इक्वेशन दे रखी है ये, ठीक है, इस इक्वेशन को आपने पहले fx बनाना है, fx लिखेंगे तो क्या होगा, x साइन x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में ले सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करना है, इसका आपको रूट बताना है, रूट ऑफ द इक्वेशन आफ्टर 3 आइटरेशन बताना है। ठीक है, इनमें से पूछ रहा कौन सा होगा। अब इसने वहां पर कुछ ना कुछ तो हिंट देगा ना आपको रेंज के लिए, तो यहां पर अपने को ऑप्शन दे रखे हैं। वहां पर अगर अब पहले अपने को बताया था स्मॉलेस्ट पॉजिटिव, तो अपने 0 से स्टार्ट करिए रेंज देखना, यहां पर अपने को दे रखा है ये। ठीक है, इनमें से कोई एक है, तो ये सारे क्या है, 1 से 2 के बीच में है, रेंज 1 से 2 के बीच में है। ठीक है, तो 1 और 2 पर आपको देख लो, ठीक है, यानी कि आपका रूट 1 और 2 के बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में ही होगा, क्योंकि यही ऑप्शन है ना 4। अब इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक होगा, तो हमने 1 और 2 के बीच में हमने रेंज ए और बी ले ली। ठीक, और इस पर पहले देख लो फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आ रही नहीं आ रही है, सही है या नहीं है। ठीक है, देख लेते हैं, क्योंकि ये भी तो हो सकता है 2 रूट लाई कर रहे हो उस जगह पर, लेकिन हम चेक कर लेते हैं। तो आप चेक कर लो इस पर फंक्शन की वैल्यू f1 पर, ठीक है, f1 पर तो 1 साइन 1 माइनस 1, अब ये तो 1 है और 1 रेडियन, साइन 1 रेडियन, इसकी जो वैल्यू आती है वो 0.8 समथिंग आती है, 0.8 के समथिंग आती है, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, ये क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। और जब 2 रखोगे तो यहां पर आएगा 2 और ये आएगा साइन 2 रेडियन, ठीक है, माइनस 1, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो भी अगर एक पॉइंट में आएगी तो 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस 1 होगा, तो ये आती है आपकी पॉजिटिव वैल्यू। अब साइन 1 रेडियन और साइन 2 रेडियन आपको याद करने की जरूरत नहीं, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू आ गई आपकी, और यानी कि इसी के बीच में आपका रूट लाई करेगा। तो ये तो हुई आपकी रेंज, आपको डिसाइड कर लिया। अब आपको क्या करना है, इनिशियल गॉस वैल्यू के लिए सॉल्व करना है इसे, ठीक है, आपको क्या करना है, इनिशियल गॉस वैल्यू के लिए सॉल्व करना है। तो इनिशियल गॉस वैल्यू देखते हैं, तो जो सेकंड स्टेप होता है इसमें क्या, इनिशियल इनिशियल गॉस वैल्यू, ठीक है, तो अब इनिशियल गॉस वैल्यू को देखते हैं। तो इनिशियल गॉस वैल्यू क्या आएगी, आपकी जो भी रेंज है उससे आप निकालेंगे एक्स आई एन, ठीक है, 1/2 और 1+2, ये करेंगे आप, तो यहां पर आ रही है आपकी इनिशियल ग्रॉस वैल्यू 1.5, ठीक है, 1.5 आ रही है। तो ये था सपोज 1 और 2, इसके बीच में आपने देखा 1.5 आ गया, ये आपका क्या था, एक्स आई एन था। अब इस पर आप फंक्शन की वैल्यू देखोगे 1.5 की वैल्यू, तो यहां पर आप 1.5 रखोगे और यहां पर क्या करोगे, साइन 1.5 रखोगे माइनस 1, इसकी जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, वो क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। देखो 1 पर आ रही थी नेगेटिव वैल्यू, ठीक है, इस पर आ रही थी पॉजिटिव वैल्यू 2 पर, और इस पर भी क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू आई है। तो 1.5 और 2 के बीच में तो लाइन नहीं कर सकता हमारा रूट, है ना, हमारा रूट 1 और 1.5 के बीच में करेगा। तो फर्स्ट आइट्रेशन आप क्या करेंगे, गॉस वैल्यू आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, गॉस वैल्यू आफ्टर फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे। तो फर्स्ट आइट्रेशन क्या होगी, एक्स वन होगी जो कि 1.1 होगी प्लस 1.5, ये आपने करा, तो ये आएगी 1.25 आएगी शायद, है ना, 1.25 आएगी। 1.25 पर आप फंक्शन की वैल्यू चेक कर लो, तो फंक्शन की वैल्यू x1 यानी कि 1.25 पर कितनी आ रही है, तो इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आती है,
ठीक है, वो अगर हम निकालते हैं तो वो भी पॉजिटिव वैल्यू आती है, वो भी क्या आती है, पॉजिटिव वैल्यू आती है। ठीक, इसके बीच में आ रहा है 1.25 और उस पर भी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो 1.25 और 1.5 दोनों ही पॉजिटिव है और ये दोनों पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो यहां पर रूट नहीं लाई करेगा, रूट कहां होगा, इसके बीच में, 1 और 1.5 के बीच में। ठीक है, तो अभी मैं मिटा दे रहा हूं थोड़ा। ठीक, तो अब क्या करेंगे हम, गॉस वैल्यू आफ्टर सेकेंड आइट्रेशन। तो सेकेंड आइट्रेशन में क्या आएगा, x टू 1. अब कहां पर आ रहा है, 1 और 1.25 के बीच में, 1 और 1.25 के बीच में, तो इससे जो वैल्यू मिल रही है वो 1.125 मिलेगी। ठीक है, 1.125 मिलेगी और इस पर फंक्शन की वैल्यू भी हम देखेंगे, x2 पर, इस पर जो फंक्शन की वैल्यू आ रही है x2 पर, वो जो आएगी वो आपकी नेगेटिव, वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। ठीक है, वो भी आपकी आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो अभी तक क्या था, अब आ गए थे हम जो आफ्टर फर्स्ट आइटरेशन हमने देखा था कि रूट हमारा 1.25 के बीच में है, और इसको जब हमने करा, ठीक है, आफ्टर सेकेंड आइटरेशन हमने देखा पॉइंट क्या मिला हमें, 1.125 मिला, और देखो यहां पर वैल्यू थी नेगेटिव फंक्शन की, यहां पर फंक्शन की वैल्यू थी पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव आ गई है, तो रूट इधर तो लाई नहीं करेगा अब। ठीक है, फिर से जो हम थर्ड आइट्रेशन करेंगे, जिसके बाद हमें आंसर चाहिए था आफ्टर थर्ड आइट्रेशन, वो हमें इन दोनों रेंज के बीच में ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो गॉस वैल्यू आफ्टर थर्ड आइट्रेशन, गॉस वैल्यू आफ्टर थर्ड आइट्रेशन देखते हैं आप। तो गॉस वैल्यू आफ्टर थर्ड आइट्रेशन क्या आएगी, x3 आएगी, जो कि होगी क्या, 1.2 1 प्लस 1.125। इसको जब आप करेंगे बाइसेक्ट तो आपको मिलेगा कितना, 1.0625, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शंस में होगा। ठीक है, अब वो जोन सा भी ऑप्शन है आप उसको सिलेक्ट कर दो, ठीक है, वही आपका आंसर है। ठीक है, वही आपका आंसर है, ये कि फर्स्ट ए ऑप्शन जो था वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आफ्टर थर्ड आइट्रेशन वो आपसे गॉस वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है, रूट पूछ रहा था, तो वो ये होगा। एग्जैक्ट रूट आप नहीं बता पाओगे इस प्रोसेस से, खुद से कंप्यूटर पर जब हम रन करते हैं, ठीक है, ये आइट्रेशन प्रोसेस, तो वहां पर मिल जाता है, लेकिन वो भी बहुत मतलब हमें एक एक्यूरेसी अचीव करने के लिए, जैसे कुछ डिजिट तक, डेसिमल तक अगर हमें एक्यूरेसी चाहिए तो हमें मतलब बहुत ज्यादा आइट्रेशन प्रोसेस करनी पड़ती है। सपोज एन टाइम आपको रन करना पड़ेगा, 100 टाइम आप रन कर रहे हो तो जाके आपको सपोज पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद 3 या 4 डिजिट तक आपको एक्यूरेसी मिल रही है, तो इस तरीके से आपको वो करना होता है। ठीक है, जितना आपको पेपर में बताया जाएगा, जितने नंबर ऑफ आइट्रेशन आप उतने नंबर कर देंगे, बस ये है कि इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी करनी ट्रिकी होगी, उसके लिए आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एक बार समझना है और करना है ना। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, वो आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, वो आपको खुद से ट्राई करना है, मैं उसका शायद आंसर मतलब आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर उसका बता दूंगा आपका सही है या गलत। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी बाइसेक्शन मेथड से आपको करना है। तो क्वेश्चन है कि परफॉर्म 5 आइट्रेशन ऑफ बाइसेक्शन मेथड टू ऑब्टेन द रूट ऑफ द इक्वेशन, आपको इक्वेशन ये दी हुई है। ठीक है, तो इसमें आपको पहला स्टेप वही काम करना है, आपको एक रेंज डिसाइड करनी है अपने आप। ठीक है, उसके बाद 5 टाइम आइट्रेशन करना है, उसके बाद आपको एक आंसर मिलेगा, और वो उस पर फंक्शन की वैल्यू जीरो नहीं आ रही होगी, और ना आपको चेक करनी है, जो 5th आइट्रेशन पर पॉइंट मिलेगा वही आपका रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का। ठीक है, आप इसे सॉल्व कीजिएगा खुद से, और इसका आंसर जो आएगा, ठीक है, वो आएगा 0.5156
25, ठीक है, जो आपको लास्ट पॉइंट मिलेंगे ना दो, उसको बाइसेक्ट करने पर ये पॉइंट मिलेगा आपको, ठीक है। तो आफ्टर फिफ्थ आइटरेशन जो आपको रूट मिलेगा वो ये मिलेगा, ठीक है। तो आई होप ये जो वीडियो होगी आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। इस क्वेश्चन को आप जरूर ट्राई कीजिएगा खुद से, तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। और जहां भी आपको कोई बुक मिलती है न्यूमेरिकल एनालिसिस की, और आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होंगे उनको भी खुद से कीजिएगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस और आएगा, ठीक है। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और कोई भी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ना हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।